हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज अपन डिस्कस करेंगे न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में जो होने वाली है सेंट्रल गवर्नमेंट की। जैसे कि आप देख सकते हैं, ILBS रिक्रूटमेंट होने वाली, ILBS जो हॉस्पिटल है इन जो दिल्ली का ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, उसकी वैकेंसी होने वाली है 132। जो टोटल नर्स की जो होने वाली है वैकेंसी होने वाली है, उसमें जूनियर नर्स प्लस अदर पोस्ट होने वाली है। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे कैसे फॉर्म बना है, क्या लास्ट डेट होने वाली है, सब मैं आपको बताऊंगा। इसमें आप देख सकते हैं जो वैकेंसी होने वाली ILBS की है, अप्लाई करना है आपको। ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंस होने वाला है, एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है इसका। एंड 132 टोटल पोस्ट होने वाली है। इसमें जो है BSc एंड GNM दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस का इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपको GNM के लिए 1 2 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें चाहिए। और इसमें जैसे अकॉर्डिंग पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए आपके पास में। तो आगे अपन डिसीजन करें कैसे फॉर्म भरना है आपको। तो इसमें जो लास्ट डेट आपकी होने वाली है वो होने वाली है 30। इसकी जो ये नोटिफिकेशन डेट होने वाली है, एंड देन लास्ट डेट जो होने वाली है वो 30 अक्टूबर होने वाली है। जस्ट जस्ट 1 महीने के बाद में इसकी लास्ट डेट होने वाली है। इसकी ऑफिशियल साइट आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल साइट दे रखी है। अब इसमें आप देख सकते हैं जो मेन मेन पोस्ट होने वाली है वो कौन कौन से डिपार्टमेंट की। मैनेजर की पोस्ट है, नर्स की पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव की, जूनियर एग्जीक्यूटिव की, असिस्टेंट मैनेजर नर्स और जूनियर, टोटल मिला के 132 होने वाली। इसमें एलिजिबल मैंने बता दिया आपको, GNM BSc होनी चाहिए। कौन से भी स्टेट से हो सब आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें अभी किसी प्रकार का जो नहीं मांगा है रजिस्ट्रेशन, इसलिए आप कौन से भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फ़ीस मैं बताऊंगा आपको। इसमें जो पे ग्रेड होने वाला है आपका, जो सैलरी सेलेक्ट होने के बाद इसमें आपका रिटर्न टेस्ट होना, बता देता हूँ। इसमें आपका एक वही सेंटर पे ही आपका रिटर्न टेस्ट होगा, प्लस स्किल टेस्ट होगा। याद रखना आपका स्किल टेस्ट भी होने वाला है इसमें। इसमें आपकी जो सैलरी होने वाली है वो 20,000 से आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग होगी, 67,000 तक होगी, अच्छी सैलरी है। और इसमें मैंने बता दिया आपको रिटर्न एंड स्किल टेस्ट दोनों होने वाले हैं इसमें। अब इसमें लास्ट डेट आप देख सकते हैं 30 अक्टूबर होने वाली है। अब मैं ऑफिशियल साइट पे लेके चलता हूँ आपको कैसे फॉर्म भरना है। तो आपको जो फॉर्म भरना है, कहाँ से आपको अप्लाई करना है, ये नीचे आप टोटल पोस्ट देख सकते हैं। इसमें ये टोटल पोस्ट हैं, इसमें जैसे नर्स की आएगी उसमें आपको अप्लाई करना है। नर्स की पोस्ट में जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये जो नर्स की पोस्ट है इसमें टोटल आप जैसे इसमें 4400 का पे ग्रेड होने वाला है। इसमें आप अप्लाई करोगे, जैसे ही अप्लाई न्यू रजिस्ट्रेशन आपका, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे आपका पूरा रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये ऑफिशियल जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू दोस्तों।